हवेली राजकौर की जो अरबी मंजिल है उसका तस्करा मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में किया था। राजकौर की हवेली किला शेखुपुरा की तीसरी अहम इमारत है और ये तमाम की तमाम ईंटों और लकड़ी की बनी हुई है। इसकी जो डेकोरेशन थी वो तमाम की तमाम मुनमिन हो चुकी है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आती, जैसा कि हमें दीवान खाना या जनान खाना की इमारतों में नज़र आती है। हमारा आज का मौजू इसी इमारत का जो पहली मंजिल है, जिसे हम फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं, वो है। इसमें दाखिल होने के लिए ये एक दरवाज़ा है, इसके सामने एक थोड़ा सा या प्लेटफॉर्म है। यूँ ही हम इसके अंदर दाखिल होते हैं, दरमियान में ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, दाएं जानब नीचे तहखाने में जाने की सीढ़ियाँ और दाएं जानब एक छोटा कमरा है। आइए ऊपर की मंजिल को चलते हैं। 15 सीढ़ियों का एक सिलसिला तय करने के बाद हम एक मेज़ोनिन फ्लोर यानी जिसे हम आमतौर पर परछत्ती कहते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। ये सिलसिला जो मैं गुजर कर आया हूँ ये अंग्रेजी के लेटर यू की तरह है। इसके बाद हम इस गैलरी तक पहुँचते हैं। मेरे शुमाल की जानब एक खिड़की है जो दीवार में सेट है और उसके नीचे जो खूबसूरत मंजर है वो तो वहाँ से हम देख सकते हैं। इसी खिड़की से शहर का मंजर भी नज़र आता है। यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है ये नीचे के प्लान के बिल्कुल एन मुताबिक है। तीनों पर्चेज हैं, इस जानब से सीढ़ियाँ ऊपर आ रही हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ मजीद ऊपर जा रही हैं और दाएं जानब एक कमरा है। इसी छोटे से कमरे में दाएं जानब एक छोटा सा अलकोव भी बना हुआ है जिसे हम चिरागदान कहते हैं। यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। इस नीम शक्ति से 15 सीढ़ियों का एक और सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला भी प्लान में अंग्रेजी के लफ्ज यू की तरह ही है। एक और काबिल जिक्र चीज़ यह है कि इन सीढ़ियों की अगर आप चढ़ाई देखें तो ये उन सीढ़ियों से तकरीबन 2 या 2.5 गुना ज़्यादा चौड़ी हैं जो सीढ़ियाँ मुगलों में तामीर की गई, और हर सीढ़ी के एज पर एक मजबूत लकड़ी लगा दी गई है ताकि सीढ़ियाँ जिसमें ना पाए। जो ही ये सीढ़ियों का सिलसिला खत्म होता है हम एक और मंगूतरे से कमरे में दाखिल होते हैं। इसके शुमार में भी एक खिड़की है, जबकि मशरक में मशरक की तरफ चले जाएँ तो हवेली का पहला फ्लोर शुरू हो जाता है। जुनूब की जानब एक बड़ा कमरा है और जो दीवार जुनूबी सिमत में है उसी में हमें रोशनदान भी बने नज़र आते हैं। मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वहाँ से गुजर करना इस हवेली की जो पहली मंजिल है उसके पहले कमरे में आ गया हूँ। ये एक तवील कमरा है जो शरकन गर्दन चला गया है और इसके जो प्रोपोर्शंस है वो तकरीबन 1:4 हैं। इसके शुमाली सिमत अगर हम देखें तो शहर का मंजर नज़र आता है और शुमाली सिमत ही इस कमरे में 5 ओपनिंग्स हैं। 5 ओपनिंग इस तरह डिफाइन की गई हैं कि 2 ओपनिंग जो शुमाल जो मशरक और मगरब में हैं वो तो इंडिपेंडेंटली खड़ी हैं, जबकि 3 ओपनिंग्स जो दरमियान में हैं वो एक बड़े से फ्रेम में सेट कर दी गई हैं। इस फ्रेम को अगर आप बाहर से देखें तो इंतहाई खूबसूरत मंजर है। अंदर से ये इस तरह है कि एक बहुत बड़ी आर्च है, उसके अंदर 3 खिड़कियाँ सेट कर दी गई हैं। इसी आर्च के दाएं और बाएं जानब हमें छोटे छोटे अल्कोव्स नज़र आते हैं जो रेक्टेंगुलर फ्रेम्स में सेट हैं और उन रेक्टेंगुलर फ्रेम्स के ऊपर शोल्डर आर्चेज हैं। मशरक की जानब निगाह दिलाएं तो एक मल्टीफाइल आर्च के थ्रू हमें दीवान खाने की तीसरी मंजिल नज़र आती है। इससे आप ये भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हवेली की पहली मंजिल दीवान खाना की तीसरी मंजिल के बराबर है, या यूँ कहिए कि इसकी छतें नहायत ऊंची और दीवान खाने की छतें नहायत नीची हैं। मेरे पीछे इस कमरे का मगरबी हिस्सा है और उसके अंदर वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम यहाँ दाखिल हुए। इसी तरह अगर आप शुमाल से हटकर जुनूब की जानब आएँ तो इस तवील दीवार में आपको 5 ओपनिंग नज़र आएंगे। तमाम की तमाम ओपनिंग के ऊपर मल्टीफाइल आर्चेज हैं, बीच में जो इंट्रोडोस हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं। तमाम आर्चेज रेक्टेंगुलर फ्रेम में सेट हैं और हर रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर एक और मुस्ततील फ्रेम है। आर्चेज के जो दरमियान का हिस्सा है जिसे हम पिलर कहते हैं, हर पिलर के बीच में एक अलकोव या चिरागदान बना दिया गया है। इसी तरह मशरकी हिस्से में भी हमें चिरागदान नज़र आते हैं और मेरे पीछे जो हिस्सा है उसके कोने में भी एक चिरागदान बना हुआ है। इस इमारत का जो छत है वो तमाम का तमाम लकड़ी का है, लेकिन नोटेबल चीज़ यह है कि जो ही हम छत के करीब पहुंचते हैं ईंटों की चुनाई की बजाय हमें तवील शातीर लकड़ी के पड़े नज़र आते हैं। ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है ताकि एक ही जगह वजन ना पड़े। आइए अब इस तवील कमरे के दाएं जाने यानी जुनूब की सिमत जो कमरा है उसका तस्करा करते हैं, लेकिन यहाँ से ही अगर मेरे सामने जो बड़ी आर्च है उससे नीचे देखें यानी मशरक की सिमत जो नीचे आर्च है तो इस हवेली के कुछ खंडरात वहाँ से भी नज़र आते हैं। शुमाली कमरे से चलकर अब हम जो वस्ती कमरा है यानी शुमाली कमरे के जुनूब में जो कमरा है उसमें आ गए हैं। ये कमरा भी उसी तरह तवील है और एक अवलम नस्बत रखता है।
लेकिन उसमें कुछ डेविएशंस हैं पहले कमरे की नस्बत से। मिसाल के तौर पर अगर हम मशरक़ी से नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ हमें एक सहदरा नज़र आता है। इन तीन ओपनिंग के पीछे एक छोटा सा कमरा है जिसके कोनों में चिरागदान दिए गए हैं। इन्हीं तीन ओपनिंग के ऊपर हमें एक रोशनदान भी नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि जो पहला कमरा था वो हाइट में इस कमरे से काफ़ी कम है और जो डिफरेंस है उसी हिस्से में रोशनदान बना दिए गए हैं। मशरक़ी सिम से हटकर जब हम जनूबी सिम की तरफ जाते हैं तो हमें एक ट्रांसवर्स आर्च नज़र आती है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये एक मल्टीफाइल आर्च है लेकिन बीच का हिस्सा फ्लैट है। इसके पीछे जो कमरा है वो इस कमरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर मज़ीद हम पीछे जाएं यानी मगरब की सिम तो वहाँ हमें एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जिसके दाएँ और बाएँ जानब यानी शुमाल और जनूब की सिम गुजरगाहें बनी हुई हैं जबकि मगरब की सिम दो खिड़कियाँ हैं। जो गुजरगाहें जनूब की सिम हैं वो थोड़ी सी तिरछी सेट हैं। उनमें से गुजरकर अगर हम मज़ीद जनूब की सिम जाएँ तो वहाँ हमें एक और कमरा नज़र आता है जिसकी कम अज़ कम दो तरफों में मज़ीद खिड़कियाँ पाई जाती हैं। अब आइए वापस इसी कमरे की जानब। इसी कमरे के जनूब में हमें पांच मज़ीद ओपनिंग नज़र आती हैं। मेरे बाएं जानब यानी शुमाल की जानब जो ओपनिंग है वो बग़ैर किसी दरवाजे या चौखट के हैं, तमाम की तमाम आर्चेस पर मबनी हैं। लेकिन जो दाएं जानब या जनूब की सिमत ओपनिंग है उनमें दरवाज़ों के चौखट लगे हुए हैं और ये पांच दरवाज़े अपनी चौखटों के साथ कायम हैं और इन पर काफ़ी हद तक डेकोरेशन अपनी ओरिजिनल सूरत में बाकी है। दरवाज़ों के पट मिट चुके हैं। इसी तरह इस कमरे की बाज़ जगहों पर निगाह दौड़ाएँ तो हमें जो ओरिजिनल डेकोरेशन है वो कहीं कहीं नज़र आती है जिनमें नीला और पीला रंग ख़ास तौर पर नुमाया है। अब आइए इस कमरे से मज़ीद हटकर मज़ीद जनूब की तरफ चलते हैं और जो कमरों का आखिरी सिलसिला है उस पर निगाह दौड़ाते। और यह है इस मंजिल का और इस हवेली का तीसरा बड़ा कमरा। ये कमरा भी उसी तरह ही ओबलोंग है जैसा कि एन शुमाली कमरा था। वस्ती कमरे का छत ऊंचा है जबकि इस कमरे का छत भी नीचा है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि शुमाल की जानब पांच ओपनिंग नज़र आती हैं जो पिछले कमरे के जुनूब में वाक़ थी। दाएं जानब यानी जुनूब की सिमत हमें चार ओपनिंग्स नज़र आती हैं। दो ओपनिंग ऐसी हैं जो बंद कर दी गई हैं जबकि वस्त में एक ऐसा डिप्रेशन है जो सिर्फ एक अल्कोव का काम करता था। मेरे पीछे यानी इस कमरे के मगरब की सिमत आप एक सदरा देख रहे हैं यानी तीन आर्चेस पर मबनी ओपनिंग्स। इसके पीछे एक कमरा है और उसके पीछे फिर वो कमरा है जहां आप थोड़ी देर पहले हमने आपको अपने साथ लेकर उस कमरे में रागरो गुजरों में से दाखिल हुआ था। इसी के साथ ही एक और जुड़वा कमरा है। इस कमरे की छत तमाम की तमाम लकड़ी की बनी हुई है। फर्श जो है वो किसी किस्म की डेकोरेशन से बिल्कुल खाली है। अब आइए मेरे साथ इस कमरे के मशरक़ी सिम्त भी हमें ऐसा ही सदरा नज़र आता है लेकिन उस सदरे का एक फ़र्क है वो ये कि उसकी जो जनूबी आर्च है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो दरमियानी आर्च है उसको आधा बंद करके उसके वस्त में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दे दिया गया है जबकि शुमाली आर्च बिल्कुल खुली है। इसके पीछे क्या है आइए मेरे साथ साथ चलिए। मशरक़ी सिम्त के जो कमरे हैं उनमें दाखिल होने के लिए हम जो एन वस्ती दरवाज़ा है उसमें से अंदर चलते हैं। सदरे के पीछे एक मुस्ततील कमरा है। कभी इसके शुमाली सिम्त भी एक दरवाज़ा था जिसको अब बंद कर दिया गया है। जनूबी सिम्त में एक बड़ी सी खिड़की नज़र आती है जो रोशनदान के अंदर बंद है या एक अल्कोव के अंदर बंद है। एक और रेक्टेंगुलर फ्रेम क्रॉस करके हम एक और मुस्ततील कमरे में दाखिल होते हैं। यहाँ से अगर शुमाल की जानब निगाह दौड़ाएँ तो दूसरे कमरे को क्रॉस करने के बाद हमें जनान खाने का मुनहदम हिस्सा नज़र आता है जिसकी डेकोरेशन आपके बिल्कुल सामने है। इसी कमरे के मज़ीद मशरक में एक और कमरा है, फिर उस कमरे के शुमाल में एक और कमरा। इन तमाम कमरों को एक दूसरे के साथ दरवाज़ों से मिला दिया गया है जबकि दीवारों में ब्लाइंड आर्चेस देकर मुख्तलिफ किस्म के पैनल बना दिए गए हैं। तमाम कमरों की छतें लकड़ी की हैं और किसी किसी दरवाजे के ऊपर रोशनदान बना दिए गए हैं जो स्क्वायर फ्रेम पर मबनी हैं लेकिन लकड़ी को इस तरह काटा गया है कि वो स्टार शेप बन गई है। इस मंजिल जिसका जिक्र हमने अभी आपसे किया उसकी दीवारें तकरीबन 8 फुट चौड़ी हैं और ये हर खिड़की से इस चीज़ की स्टडी की जा सकती है। इस मंजिल के रोशनदान अक्सर मोर्चानुमा और कुछ काफ़ी हद तक डेकोरेटिव हैं। जहाँ तक छतों का ताल्लुक है वो लकड़ी की हैं लेकिन जगह जगह से वो गिर चुकी हैं।
राजकुमार की हवेली की ये पहली मंजिल दीवान खाने की तीसरी मंजिल से मुलहिक है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ खड़े होकर आप देखें तो दीवान खाना का एक मंजर भी आपको बखूबी नजर आएगा। इसी के साथ इस मंजिल की कहानी अपने इख्तिताम तक पहुँचती है। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।